हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर गोभी की खिचड़ी। मैंने आलू और मटर यहाँ पे छील के छोटे छोटे चॉप करके रख लिए हैं, और ये गोभी मैंने फ्राई कर लिया है, और ये है प्याज और मिर्ची। दो बड़े प्याज मैंने काटा और यहाँ पे मिर्ची, क्योंकि ये चावल में जाके तीखा होगा इसको। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पतीले में रख दिया है, और हम इसी पतीले में खिचड़ी बनाएंगे। ठंडी के टाइम में खिचड़ी सब बहुत पसंद करते हैं, आलू मटर गोभी की, और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ठंडी के मौसम में सब लोग बहुत इसको पसंद से खाते हैं बहुत। मैंने प्याज और मिर्च डाल दिया है इसको लाल होने के लिए। ये जब लाल हो जाएगा तो इसमें और मसाले और गोभी और आलू डालेंगे और चावल डालेंगे। तो गाइस, इसमें मैंने मसाला डाल दिया है, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो गाइस, इसको हम ढक करके धीमी आंच पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये मसाला अच्छे से भून जा जाए। फिर उसके बाद गाइस, यहाँ पे मेरा मसाला भुजा गया है, और इसमें हम डालेंगे आलू और मटर। गाइस, इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ी देर आलू और मटर को गलाएंगे। गाइस, यहाँ पे पानी बॉयल होने लगा है, और इसमें चावल डालेंगे जो हम पहले ही धो के अच्छे से रख लिए थे, और हमारा खिचड़ी एकदम रेडी हो रहा है। गाइस देखो, चावल डाल दिया, अब ये पक रहा है। अब इसको हम ढक करके रख देंगे। गाइस, इसमें मैं गोभी और टमाटर बाद में डाल दी हूँ, क्योंकि गोभी जल्दी गल जाता है। ये नया चावल है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं बाद में इसमें डाली हूँ गोभी और टमाटर। और इसको मैं अब ढक करके रख दूँगी धीमी आंच पे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। यहाँ पे मेरा खिचड़ी बनके रेडी हो गया है। देखो, ये नया चावल, आलू गोभी मटर की खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। चावल भी गल गया है अच्छे से, और गोभी भी। और इसमें अब हम डालेंगे धनिया की पत्ती, कोरिएंडर। और इसको आप देसी घी के साथ सर्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।